हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी टू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फायर ज़्यादा फील हो रही है। एक क्रैकलिंग साउंड था, फायर है आज। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। तो जिनके बारे में सोच रहे हो ना, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेले और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, नाराज़गी और गुस्सा दोनों भी ज़्यादा है, एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस है। या तो गुस्सा मतलब बहुत ज़्यादा है, या फिर गुस्सा अंदर ही अंदर पलप रहा है। गुस्सा या फिर जो इमोशंस है ना, एकदम पैशन वाले भी हो, तो वो जैसे ना आग लगी हो वाली एनर्जी है। आपकी कोई फ़ोटो है, मतलब वो सोशल प्रोफाइल पे हो, सोशल मीडिया पे हो, या फिर इनके पास हो ऐसा ज़्यादा लग रहा है। वो फ़ोटो ना काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मतलब कि जैसे इनको ना या तो आपसे दूर होने की जो नाराज़गी है वो गुस्से में चेंज हो रही है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको ना पता नहीं क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। बहुत मतलब बहुत कि आप चाहिए, मतलब चाहिए और आप ही चाहिए, और ये अगर हो नहीं पा रहा है, हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा लग रहा ना कि कुछ हद तक सिर्फ सिचुएशन नहीं, आपने भी दूरी बना के रखी है, तो उसकी वजह से ना गुस्सा बहुत है। पॉसिबल है कि ये सिर्फ दुनिया से या हालातों से नहीं, आपसे भी नाराज़ है। बट पहले की तरह ना आपके ऊपर गुस्सा निकाल नहीं सकते, छेड़ नहीं सकते, बट ये आसपास के लोग या सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कितना भी सो कॉल्ड अपना हो, ये लिटरली अगर ज़रा सा भी मौका मिले या ज़रा से भी बात ऐसा बिगड़े ना, तो उस इंसान के ऊपर या उस सिचुएशन के ऊपर इतना गुस्सा हो रहा है ना कि लिटरली मतलब कुछ तोड़ फोड़ वाली एनर्जी फील हो रही है। आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में, यस। क्योंकि ऐसा लगा ना अचानक से कि सोल लेवल पे आप लोगों की एनर्जी कनेक्टेड है, और ये इंसान को कहीं ना कहीं एहसास है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो रहा है, कुछ नई शुरुआत, कुछ मूव ऑन की एनर्जी। उस बात से लेकर ना जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, गुस्से में है, वो तकलीफ़ शायद गुस्से में बदल रही है। इन्हें पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से, आसपास से और आपसे भी बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें कि आपने क्यों नहीं ऐसा किया, आप क्यों ऐसा किया, अगर सब चीज़ें शुरू है। अगर बात भी हो रही ना, तो बात ना करना प्रेफर करें, क्योंकि इनका गुस्सा अचानक से बढ़ सकता है। आज मैं बार बार गुस्सा वर्ड यूज़ करी, बट ऐसा लगा अगेन ये एक ना सर्कल कंप्लीट हो रही नज़र आ रहा है कि कार्मिक साइकिल एंडिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है, इसलिए तो सब कुछ चीज़ें इतनी इतनी ज़्यादा मतलब कष्टदायक, यू नो ज़्यादा ही ज़्यादा तकलीफ़ वाली है।
इनको बार बार अपनी गलतियां याद आ रही है, नजर आ रही है, मतलब एक फील हो रही है ना कि ये तो मेरी गलती है, ये तो मेरी गलती है वाली चीज़ है। ये कर्मा भी हो सकता है क्योंकि एग्जांपल के तौर पे इन्होंने काफ़ी अरसे से अपनी लाइफस्टाइल नहीं को ध्यान नहीं दिया है या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एकदम सीरियस नहीं लिया था। जब जब भी थोड़ा अंदेशा भी हो रहा था तब भी सीरियस नहीं लिया था, तो अचानक से अभी इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है ना सब कुछ जैसे जिस तरह से बिखर रहा है ना, तभी ऐसा लग रहा है ना कि अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ लोग हैं अपनी गलतियाँ नज़र आने के बावजूद भी वो हालातों को लोगों को दोष दे रहे हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर इन्होंने पेरेंट्स के कहने पे शादी की है या पेरेंट्स के कहने पे कुछ ये किया या फिर जॉब कंडीशंस में वगैरह ना तभी ध्यान नहीं दिया, फाइनेंसेस के मामले में ध्यान नहीं दिया था, तो अभी जब फाइनेंसेस एक्चुअली बिगड़ गए बहुत ज़्यादा लेवल पे या फिर शादी में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने दूसरे को ब्लेम करें कि तुम्हारी वजह से हुआ है, इनकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। हालांकि इनको अब पता है कि इनकी भी गलती है, लेकिन ये अपनी गलती ना कुछ लोग ना मान ही नहीं पा रहे हैं, या फिर हाँ मैं क्या कर सकता था या मैं क्या कर सकती थी, हालात ही ऐसे थे, लोग ही ऐसे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तूफान तो आ रहे हैं लेकिन तूफानों के बाद है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलेंगी, क्योंकि अचानक से ना ऐसा लगा कि ये तो दिन भर की एनर्जी रहेगी बट शाम को अचानक से इंसान शांत हो सकता है और पॉसिबल है बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, क्योंकि इनकी एनर्जी ना कुछ अलग ही अलग लेवल पे स्विच कर रही है, शिफ्ट हो रही है और मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, लाइक ना कभी ये सोच रहे कभी वो सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना उनको अपना मूड ठीक करना है बहुत ज़्यादा, मतलब अपना जो मूड है ना बहुत अच्छा करना है, क्योंकि अभी इस हालातों से ना पक गए या फिर पूरा दिन में यही एनर्जी से खुद पक गए हैं, और वो जो खराब मूड है ना उसको अच्छा करने का आपके अलावा किसी के पास मतलब एक वो ताकत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी कर लिए उनका मूड अच्छा होगा ही नहीं अगर आपसे बात ना हो अच्छे से या आपको ना देखें। ऑल ऑफ अ सडन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में कितने मायने रख रहे हो, कि जैसे इन ख़राब हालातों में सिर्फ आपको याद करना, सिर्फ आपको सोचना भी इनको बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है। कुछ नहीं तो सही, लेकिन अपनी एक गलती तो ज़रूर मान रहे हैं कि आपको खोकर या आपसे दूर होकर या आपको झूठ बोलकर जो इन्होंने गलती की है ना वो बहुत मतलब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। यहाँ पे मुझे पिकॉक्स की एनर्जी नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यस गुड न्यूज़ आर कमिंग बट टाइम लगेगा, और या तो ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ की है। मुझे ऐसा लगा आपके लाइफ में ये पर्सन और कोई नया पर्सन दोनों की एंट्री हो रही है, और आपके लिए मतलब आपके लिए चूज़ करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने हीलिंग करवाई है या आपने अपनी हीलिंग थोड़ी बहुत भी की है तो आपको ना सही डिसीजन या इंसान को पहचानने का मौका मिलेगा, या फिर वो इंसान है ना वो सही तरीके से आएगा, वो ना झूठ बोल पाएगा ना मैनिपुलेट कर पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी और ऐसी है कि वो आपको खोने से इतना डरेगा कि आपको आपसे झूठ बोलना उसको बर्दाश्त नहीं होगा, झूठ ही नहीं बोल पाएगा। और वैसे भी इस साल तो पॉसिबल नहीं है किसी का इसे इतना लेवल पे झूठ बोलना, लेकिन अगेन इट्स डिपेंड ऑन योर एनर्जी कि आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग और हील्ड है। सतरंग में बदरंगा वो इश्क है, जोगी में गंगा तो इश्क है। इनके इनिशियल एस हो सकते हैं, एस है, टी है, पी है, वी है,
नंबर में मुझे 2 नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ। हाँ हालात अचानक से, मतलब जैसे मौसम अचानक से बदल जाता है ना, वैसे वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। अचानक से बदलेगी मतलब सोचा ना समझा ना, अचानक से बारिश हो गई, अचानक से सूखा पड़ गया, सूखा मतलब अचानक से धूप निकल आई, वो सारी चीज़ें ना वैसा मुझे फील हुआ। फील हो रहा है ना उनको कि मौसम कितना जल्दी बदलता है, ये मौसम बदलते रहता है, लेकिन एक इंसान है ना, वो बदला ना उसकी फीलिंग्स, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ना अलग ही फीलिंग दे रही है, मतलब अलग ही मैग्नेटिक पुल दे रही है। पता नहीं क्यों ऐसा अचानक से ही लगा कि उनकी तरफ से अपने जैसे मैसेज है कि वी आर मेंट टू बी टुगेदर, हम मिलने के लिए ही बने। टू ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कि जब हमारी एनर्जी हील्ड होती है, जब हमारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्योरिफिकेशन पे जाती है ना, तो क्लैरिटी मिलती है और इंसान भी अपने को वैसे मिलते हैं जो क्लियरली बात करते हैं, या फिर हमारी बातों से, हमारी ऑरा से ऐसा होता है ना कि वो लोग इंसान है झूठ नहीं बोलते काफ़ी अरसे तक, या वो मतलब कैसा होता है ना कि या तो पर्सन आता ही नहीं सामने से, या तो वो आने के बाद भी झूठ नहीं बोल पाता, बस देखता रहता है और कुछ है, वो सोच के कुछ और आया था लेकिन कुछ और ही सोचने लगता है, वैसी एनर्जी होती है। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है, डेफिनेटली ऐसा लगा कि कम्युनिकेशन होने के अचानक से, मैंने कहा कि अचानक से कुछ चीज़ बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अचानक से इनका मूड चेंज हुए, कल तक या सुबह तक एकदम ऐसे मुंह फुला के बैठे थे, अचानक से कहे कि बात करनी है और रोमांटिक हो जाएंगे, वो भी हो सकता है। सो अचानक शिफ्ट इन एनर्जी है, पॉसिबल है ये कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हैं, मूड हो जाए कि भाई नहीं निकलते हैं। यहाँ पे 111 की एनर्जी है, सब पेंटिकल है, सब सोर्स है, सो 111 की एनर्जी मुझे फील हुई। और अभी इनमें बहुत ज़्यादा चेंज है, अभी इस रिश्ते में ना वो बहुत कुछ होप रख रहे हैं, और जैसे मैंने फील किया ना कि जैसे मुझे फील हुआ कि मौसम बदले, हालात बदले, इंसान बदले, लेकिन एक वो इंसान नहीं बदला ना उसकी फीलिंग, ये सेंटेंस जैसे उनके सामने आया है। सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वैंड्स दिखा रहे हैं कि यस हार्मिट मोड में। सो 2 ऑफ कप्स एंड ये जैसे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये इंसान, दोनों लोग ना डेट पे हैं, लाइक कहीं एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है, और स्पिरिचुअल यूनियन के लिए बहुत एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। तो इनमें वो एनर्जी, जैसे 2 नंबर मुझे फील हो रहा ना कि विद इन 2 डेज, कुछ लोगों डिपेंड ऑन उनकी एनर्जी, और कुछ लोगों में 2 वीक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा हो सकता है, एंड ये पॉसिबली अगर हो सके तो न्यू मून के आसपास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, रिगर्स है, और इनके लिए है। अगेन मुझे स्पाइन की एनर्जी भी फील होगी, स्पाइन की एनर्जी, और सिर्फ आपके पर्सन नहीं, कोई आपके ऊपर दूसरा पर्सन भी नज़र रख रहा है, और स्पेशली ये थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपको जानती है, या फिर कोई एक नया पर्सन है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई पे कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।